जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर. सर, देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन अ लीडर्स अथॉरिटी इज चैलेंज्ड. सो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस बिटवीन द लीडर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट. ही माइट नॉट वांट टू बाउ डाउन. लीडर वो है सही में, अगर वो कभी गलत है तो वह गलती स्वीकार भी करता है और अपने सुबॉर्डिनेट को शाबाशी देता है कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. अगर मैं किसी ग्रुप को लीड कर रहा हूँ और वो ग्रुप में और एक बंदा है जिसके पास लीडरशिप की सारी क्वालिटीज़ है और वो चाहता है कि वो मेरी जगह ले और उसकी वजह से बाकी के मेरे ग्रुप मेंबर भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो देन व्हाट शुड आई डू. अच्छे लीडर की क्वालिटी जो है वो हमेशा ये होती है कि आप अपने आप को रिडंडेंट करें, अपनी जॉब के लिए दूसरे किसी को तैयार करें. गुड इवनिंग. आज का विषय हमारा जो है वो है कि लीडरशिप का, हाउ टू डेवलप लीडरशिप. सक्सेसफुल होने के लिए आप लीडर हों ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास इस शो को जब से शुरू किया. कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है या लीडरशिप के संबंधित टैलेंट्स नहीं हैं तो हम शायद सक्सेसफुल ज़िंदगी में नहीं. इससे पहले कि मैं अपना व्यू आपको दूं, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए लीडर होना इज़ इट अ मस्ट? सो माय बिलीफ इज़ इफ़ एवरीवन इज़ द लीडर देन हु विल बी द फॉलोअर. And a follower can be successful as well. And a leader needs. That's very good. Very good. Nikunj ne bada theek kaha. Yes, sir. According to me, being a leader would be important because whenever a great work has to be accomplished, then it is done in like big teams. So there has to be a leader who is in a position to build big teams. Leader ki zarurat hoti hai team banane ke liye. Ye kehna cha rahe hain. Yes, because it is in team that we get big results. A single person, you know, he influences other people, so that is the reason why great works are accomplished. आपको लगता है कि टीम कामयाब नहीं हो सकती अगर कोई लीडर नहीं हो टीम का? तो सर, लीडर होना ही चाहिए. एक टीम के लिए लीडर होना आवश्यक है आपके हिसाब से? यस. तो चलिए, इंग्लिश में लीडरशिप को कहते हैं क्या, एबिलिटी टू इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स टूवर्ड्स the goal which a leader sets. या ये भी कहेंगे भारतवर्ष में लीडरशिप की परिभाषा अलग दी गई. हमारे यहाँ ये कहा गया कि अच्छा नेता, अच्छा लीडर वो जो अपने स्वयं से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ऐसा छोड़े या एग्जाम्पल बने जिसको लोग फॉलो करें, उसको अच्छा लीडर माना गया या लीडर माना गया. दोनों में से क्या चीज़ मानेंगे आप? लीडर इज समवन हु टेक्स द इनिशिएटिव and somebody who wants to bring any kind of change in the society, and for that what any person needs to do is first take a stand. So I think it's not ki kitna bada ya chota wo initiative hai, just the guts to stand up and go out there and tell ki ha ye karna hai as a leader. And I think only when a leader gets a follower or two is when that person is called a leader. सिर्फ खड़े होके बोलना से नहीं बन जाते, बट देयर शुड बी अ फॉलोअर, देयर शुड बी अ सेकंड फॉलोअर. आप क्यों शर्म कर रही थी बोलने में? यू आर ए गुड लीडर. कन्विक्शन होना चाहिए तभी वो स्टैंड लेगा ना या लेंगी. जिसको कन्विक्शन है और वो अपने कन्विक्शन को कैरी करने के लिए और लोगों को अपने साथ ले सके, दैट इज द पर्सन वी कैन कॉल एज अ लीडर. ये बात एक नई परिभाषा उन्होंने दी जो कि मैं समझता हूँ मुझे भी समझ में आई और मुझे भी कुछ सीखने को मिला. थैंक यू वेरी मच. अ लीडर कैनॉट पुश द टीम, अ लीडर नीड्स टू पुल द टीम इन ऑर्डर टू गेट द टारगेट अकम्प्लिश्ड. व्हेन आई कंडक्ट दीज लीडरशिप वर्कशॉप्स आई पुट फोर्थ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. आई टेक अ बंडल ऑफ चेन एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू पुश देम to make the chain go in a direction. It will not move, it will just heap up and then fall. But if you
hold one rung and pull it, the chain will come with you. It will follow. So a good leader has to be on the apex of any formation. So aap kya leadership ke bare mein workshops lete hain? Yes sir, I have taken some. So why don't you come here? Yes. Aapne ek baat kahi ke wo jo leader hoga wo pull method use karega sabko saath le jalne ke liye, na ke push method use karega. Aur iske alawa kya kahenge aap? Sir, as of now, I wouldn't like to say anything. I'd just like to quote some examples. If we dive into history, any warrior that you can think of, any good warrior, any formation that they make, the warrior will always be in the front. Any good king, be a leader, be it a senapati, or anyone taking the charge for a attack or a defense, he will always be on the apex of the formation. He will never stand at the end. He will make sure that he stands at the forefront, where he will be the first one to be killed in case he fails. That is how they motivate the entire army. That is how I define a good leader. They take the charge. Not just the responsibility to tell them what to do, but also to feel on a first-hand basis what it is like to be in the field. What it is like to do what they are asking their team to do. That is what a leader is supposed to do. Nahi, agar aapka leader agar front mein chala gaya, आपने अपने लीडर को आगे भेज दिया और वो मारा गया, तो टीम क्या करेगी? ये तो ठीक एग्जांपल नहीं दिया आपने सर. आई बी सर, चलिए एक मिनट. ओके मैं आपसे ही पूछूंगा, आप यहीं रहें. मैं कहता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में आप काम करते हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पर, साइंटिस्ट हो या किसी भी फील्ड में आप हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, अगर लीडर जो होगा उसके अंदर कुछ टैलेंट्स होते हैं, एंड टैलेंट्स उनको कहा जाता है जो कि विच यू आर बोर्न विद, क्योंकि ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है स्पेशली इन सोशल साइंसेस और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सारे साइंटिस्ट ने ये तय मान लिया है के एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट, दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स. बहुत बार जब हम बिजनेस के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर, जो लोग यहाँ भी कैंपस पे भी आप लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए आते हैं, वो भूल जाते हैं कि नॉलेज, वो केवल नॉलेज के बेस पे आप लोगों को कैंपस में रिक्रूटमेंट होती है. जबकि मैं उनको कहता हूँ, नहीं, आप उनका टैलेंट देखिए. टैलेंट क्या है किसका? एक बेस्ट परफॉर्मर नॉट नेसेसरली कैन बी ए गुड लीडर. सबसे पहले एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो क्या आएगा? सचिन तेंदुलकर. ही उसने माना अपने आप कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता. तो लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ टैलेंट चाहिए, टैलेंट विच आर बाय बर्थ. एक सबसे पहला, यू शुड हैव बिलीव एज ए थिंकिंग टैलेंट. यू शुड हैव ए टैलेंट ऑफ सर्विंग पीपल. यू शुड हैव एथिक्स इन यू. जहाँ अगर एथिक्स नहीं है, एक लीडर ने जहाँ, जैसे मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मेरा इंसिडेंस याद है इस बारे को लेके, जब मैं अपनी कंपनी एसएल पैकेजिंग चला रहा था, तो हमारे यहाँ एक जनरल जमवाल करके, उनको हमने हायर किया. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी थी उनको वो संभालते थे एज ए हेड ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग. तो किसी भी कंपनी की लाइफ में फैक्ट्री प्रोडक्शन के लोग, उधर मार्केटिंग सेल्स के लोग, ये आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं. वो क्यों लड़ते हैं कि वो कहता साहब फैक्ट्री वाले ने क्वालिटी सप्लाई ठीक नहीं की, टाइम पे सप्लाई नहीं किया, आई हैव अ कंप्लेंट फ्रॉम माय क्लाइंट्स, तरह तरह की चीज़ें होती रहती. और मैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं दफ्तर में बैठता हूँ जहाँ पे एड से सेल्स और मार्केटिंग के लोग ज़्यादा बैठते हैं, शायद वो इंटरेक्ट मेरे से ज़्यादा करते हैं, तो उन मीटिंग्स को जब मैं चेयर करता था तो कभी कभी अपना डिसीजन भी आदमी को देना पड़ता. तो जनरल जमवाल ने मुझे कहा, सबके सामने ही यूज़ टू कॉल मी सर,
लेकिन अकेले में ही यूज टू कॉल मी सुभाष बिकॉज ही वॉज मच एल्डर देन मी. तो बोले कि आपसे मीटिंग के बाद कुछ बात करनी. तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए यू आर ए ऑनेस्ट एंड गुड गाय, इसीलिए मैं आपके पास काम करने के लिए आया. यू आर ए जस्ट पर्सन, यू आर आप किसी की साइड नहीं लेते हैं, ऐसे आदमी आप हैं मैं जानता हूं. लेकिन यू हैव टू बी अपीयर ऑल्सो टू बी वन लाइक दैट. तो ये बड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज तक याद है मेरी. इट हैज़ इनग्रेन्ड इन माई साइकी कि होना ही कोई ज़रूरी नहीं है, अपीयर होना भी वैसा होना ज़रूरी है. तो एथिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ए लीडर मस्ट हैव हिज विजन ऑफ हिज ओन. लाइक द यंग गर्ल सेड दैट ही शुड हैव कन्विक्शन अबाउट समथिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स अनदर क्वालिटी ऑफ टैलेंट, अनदर टैलेंट. Problem solving. Then the leader must have empathy. अगर किसी समय किसी की तकलीफ है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही हर चीज़ एकदम सही होगी. उनको one has to be empathizing with the other people. Stimulator. Should be able to stimulate your thinking process, your whole demeanor, how you perform, how you are doing. He should be stimulator. Team player, persuasion and command. These are the kind of talents which you should have. और एक आदमी में ये सारे talent नहीं हो सकते हैं, पर कुछ भी talent अगर होंगे, दो तीन भी इस प्रकार के, only that person can be good talent. ये चीज़ तो हमको समझ में आती है कि pull करना versus push करना. These are practical thing. Unless you have a basic talent in you, you cannot be a leader. Yes, sir, that is a given. Chaliye, good. Thank you for coming here. Thank you, sir. All the best.